हेलो एंड नमस्ते ट्रैवल बरीज, वेलकम टू टूरिज्म भारत। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक्सक्लूसिव दार्जिलिंग ट्रैवल गाइड पर ये वीडियो, जो आपकी हेल्प करेगा दार्जिलिंग को एक बेटर वे में एक्सप्लोर करने में। लेकिन इससे पहले कि शुरू करें, आप प्लीज टूरिज्म भारत को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस और अपडेट्स आपको मिलते रहें। और हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगे कि मेहनत से बनाए हुए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है, तो वीडियो को लाइक्स और कमेंट्स से अप्रिसिएशन देना मत भूलना। तो शुरू करते हैं दार्जिलिंग ट्रैवल गाइड पर बने हमारे इस वीडियो को। इंडिया के वेस्ट बंगाल स्टेट में बसा दार्जिलिंग एक अनोखा आकर्षण है, जो हर ट्रैवलर को अपना फैन बना लेता है। इसके एक्साइटिंग लैंडस्केप्स, इसकी रिच हिस्ट्री और इसकी खूबसूरती आपको सचमुच इस हिल स्टेशन से प्यार करने पर मजबूर कर सकती है। चाहे आप माउंटेन एंथुजियास्ट हो, हिस्ट्री लवर हो या सिर्फ चाय के शौकीन हो, दार्जिलिंग में हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। तो अपना बैकपैक उठा लें और मेस्मराइज होने के लिए तैयार हो जाएं। गेटिंग टू दार्जिलिंग। दार्जिलिंग तक पहुंचना ही अपने आप में आधा एडवेंचर है। पहाड़ों के बीच बसा नियरेस्ट एयरपोर्ट बागडोगरा है, जो दार्जिलिंग से लगभग 70 किलोमीटर दूर है। बागडोगरा कोलकाता, दिल्ली और गुवाहाटी जैसे सिटीज से फ्लाइट से कनेक्टेड है। वहां से आप या तो एक सीनिक कैब राइड बुक कर सकते हैं या ट्रेन के थ्रू भी ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आप रेलवे पसंद करते हैं तो आप ऐसी ट्रेन की तलाश कर सकते हैं जो आपको सिलीगुड़ी या न्यू जलपाईगुड़ी तक ले जा सके, क्योंकि ये दो नियरेस्ट पॉपुलर रेलवे स्टेशन हैं जहां से दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन्स चलती हैं। सिलीगुड़ी और न्यू जलपाईगुड़ी दोनों की कोलकाता, दिल्ली, गुवाहाटी और भारत के दूसरे पॉपुलर शहरों से सीधी ट्रेनें कनेक्टेड हैं। अगर आप रोड के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं तो दार्जिलिंग तक इम्पॉर्टेंट रूट वाया सिलीगुड़ी है, जो लगभग 77 किलोमीटर लंबा है। दार्जिलिंग के लिए सिलीगुड़ी के तेंजिंग नॉर्गे बस स्टैंड से बसेस अवेलेबल हैं। सीट शेयरिंग या किराए के बेसिस पर हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, मोटर सिंडिकेट या पुलिस मोटर स्टैंड से छोटी गाड़ियां भी दार्जिलिंग तक जाती हैं। आप न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन या बागडोगरा एयरपोर्ट से प्रीपेड टैक्सी भी ले सकते हैं। याद रखें, सिलीगुड़ी से चार रोमांचक रूट्स हैं जिन्हें आप दार्जिलिंग तक पहुंचने के लिए चुन सकते हैं, जो हैं तिंधरिया करसियांग रूट, दुधिया मिरिक रूट, रोहिणी रूट और पंखाबारी रूट। ट्रस्ट करिए, दार्जिलिंग तक पहुंचने की जर्नी अपने आप में एक पोस्ट कार्ड वर्दी एक्सपीरियंस है। अपने आप को माउंटेन वैलीज और अद्भुत गांवों से गुजरते हुए ठंडी पहाड़ी हवा में सांस लेते हुए इमेजिन करिए, है ना, ये कमाल की इमेजिनेशन। और ये दार्जिलिंग जाते समय रियलिटी हो सकती है। वेयर टू स्टे इन दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में आपकी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग स्टे करने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप इस जगह के सेंटर में रहना चाहते हैं तो बिजी मॉल रोड के पास एक होटल चूज कर सकते हैं। अगर आप हेरिटेज का फील लेना चाहते हैं तो एक अट्रैक्टिव कॉलोनियल स्टाइल प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप पीसफुल एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो दार्जिलिंग के चाय बागानों के बीच एक होम स्टे बुक कर सकते हैं, जो आपको नेचर के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट करेगा। दोस्तों, दार्जिलिंग में अपने स्टे के लिए बुकिंग करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपना बेस्ट बजट फ्रेंडली स्टे बुक कर सकते हैं। मस्ट सी प्लेसेस इन दार्जिलिंग। अब आइए जानते हैं दार्जिलिंग में देखने लायक प्लेसेस के बारे में। आप दार्जिलिंग में अपने दिन की शुरुआत दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची माउंटेन पीक कंचनजंगा पर बेहद खूबसूरत सनराइज देखने के साथ कर सकते हैं। कंचनजंगा पर सनरेज पड़ते ही यह माउंटेन और भी खूबसूरत दिखने लगता है। दोस्तों, यहां आप दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे पर टॉय ट्रेन की सवारी करना ना भूलें। ये छोटी और अट्रैक्टिव ट्रेन इंजीनियरिंग का एक अद्भुत अजूबा है, और इसमें बैठकर आप दार्जिलिंग के खूबसूरत व्यूज निहार सकते हैं।
इसमें ट्रैवल करते समय आप यहाँ की हिस्ट्री और खूबसूरती को बहुत करीब से फील कर सकते हैं और अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर पोस्ट करने के लिए अमेजिंग पिक्स और वीडियोस भी कैप्चर कर सकते हैं। दोस्तों, दार्जिलिंग अपने चाय के बागानों के लिए वर्ल्ड फेमस है। जब आप यहाँ हों तो यहाँ के चाय के बागानों को जरूर एक्सप्लोर करें। साथ ही साथ पत्तियों को तोड़ने और टी लीव्स की प्रोसेसिंग के बारे में जानें और अपनी लाइफ की अब तक की सबसे ताजी दार्जिलिंग चाय को भी एंजॉय करें। व्यूअर्स, आप दार्जिलिंग के वाइब्रेंट कल्चर को भी जरूर एक्सप्लोर करें। यहाँ आप तिब्बतन रेफ्यूजी सेल्फ हेल्प सेटलमेंट सेंटर को एक्सप्लोर कर सकते हैं और हैंडमेड क्राफ्ट्स भी खरीद सकते हैं। हिडन जेम्स ऑफ दार्जिलिंग। दोस्तों, यूजुअल टूरिस्ट स्पॉट्स के अलावा दार्जिलिंग में बहुत सारे हिडन जेम्स भी हैं जो आप विजिट कर सकते हैं। ये ऑफबीट डेस्टिनेशंस डेफिनेटली आपके ट्रेवल एक्सपीरियंस को और खास बनाएगी। आप यहाँ के जापानीज पीस पगोड़ा में शांति का अनुभव ले सकते हैं। यहाँ के खूबसूरत पैनोरामिक व्यूज इस बुद्धिस्ट टेम्पल को और खास बनाते हैं। इसके अलावा आप रॉक गार्डन और गंगा मैया पार्क की नेचुरल ब्यूटी भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं और नेचर के बीच आराम से टहलने का मजा भी ले सकते हैं। यहाँ की फ्रेश एयर में सांस लेना और अट्रैक्टिव सीनिक व्यूज को निहारना अपने आप में एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस है। इसके अलावा आप मोनेस्ट्री सर्किट भी जा सकते हैं और दार्जिलिंग के स्पिरिचुअल साइड का भी अनुभव ले सकते हैं। आप हिमालय के सबसे पुराने बौद्ध मठों में से एक घूम मठ की यात्रा भी कर सकते हैं और यहाँ बैठकर आप इनर पीस डिस्कवर कर सकते हैं। एक्टिविटीज इन दार्जिलिंग। व्यूअर्स, दार्जिलिंग साइट सीन के लिए ही नहीं है, यहाँ आप एडवेंचर और थ्रिलिंग एक्टिविटीज का भी हिस्सा बन सकते हैं। आप शहर और आसपास की वैली के अमेजिंग व्यूज केबल कार का मजा लेते हुए देख सकते हैं और हमें पूरा यकीन है कि यहाँ के पैनोरामिक व्यूज आपको स्पीचलेस कर देंगे। सो ट्रैवलर्स, ये था हमारा दार्जिलिंग ट्रैवल गाइड वीडियो, जिसमें इस खूबसूरत हिल स्टेशन का ओवरव्यू, दार्जिलिंग तक पहुंचने की डिटेल्स, यहाँ रुकने के ऑप्शंस, मस्ट विजिट प्लेसेस, हिडन जेम्स और यहाँ करने वाली एक्टिविटीज को हमने डिटेल में डिस्कस किया। अगर आपको ये इंफॉर्मेटिव ट्रैवल वीडियो देखने में मजा आया तो उस लाइक बटन पर क्लिक करके और वीडियो को दूसरों के साथ साझा करके हमें मोटिवेट करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 टूरिज्म भारत को अभी सब्सक्राइब कर लें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स और फीडबैक जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड टू टूरिज्म भारत। हैप्पी ट्रैवलिंग।